बना गहरो गुलाबी रंगी हो ला जो राज बना रणो जी माने आबद नामी लाग मीठियो राजस्थान का पश्चिमी छोर यहाँ के रेत के समंदर के बीच पाकिस्तान की सरहद के करीब बसा जैसलमेर। वैसे तो जैसलमेर को एक उजड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक गांव ढाणी तो छोड़िए इंसान या कोई भी जीव नजर नहीं आता। कारण यहाँ पानी नहीं है और पानी के अभाव में जीवन संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसलमेर के इस रेत के समंदर में लोग रहते आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उस पानी को तालाबों बावड़ियों में इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पानी को इतना सहेज कर रखते हैं कि जब तक दूसरी बारिश नहीं आए तब तक उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। जैसलमेर प्राकृतिक रूप से एक उजड़ा हुआ प्रदेश भले ही हो पर यहाँ के कलाकारों ने इस प्रदेश को संगीत के रूप में बहुत समृद्ध बना दिया है। यहाँ के मांगणियार कलाकार आदिकाल से आज तक संगीत की इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। जैसलमेर का संगीत आज जैसलमेर की सरहदों को पार कर यूरोप अमेरिका तक जा पहुंचा है। लेकिन राजस्थान के संगीत को दुनिया आज तक लूटती रही है। पहली बार 5वीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम गौर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और यहां से लगभग 12,000 गायकों को अपने साथ ले गया। गायकों की यह लूट राजस्थान से ही संभव थी। यहां इतनी बड़ी संख्या में संगीत के कलाकार रहते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मॉलकम हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखते हैं कि दुनिया में संगीत की लूट का यह पहला मामला था। इतिहासकार मालकम के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही राजस्थान के लोगों का संगीत के प्रति लगाव रहा है। संगीत यहाँ के राज दरबारों की शोभा बढ़ाता रहा है। राजस्थान की रियासतों के कई राजा महाराजा संगीत के विद्वान रह चुके हैं। राजस्थान का संगीत बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कलह के बावजूद जीवित रहा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब भारतीय संगीत को मिटाने का प्रयास किया तब राजस्थान की धरती ही मुगल दरबार से निष्कासित संगीतकारों की आश्रय स्थली बनी। राजस्थान के राजाओं ने इन संगीतकारों को जो सम्मान दिया वो शायद किसी और अन्य राज्य में नहीं दिया गया हो। राजा महाराजा इन कलाकारों को गांव, जागीरें, पट्टे, परवाने, लाख पसाव, करोड़ पसाव, उपाधियां और पुरस्कार देकर अपने दरबार में रखते थे। इस सम्मान के कारण अनेक संगीत विद्वान यहां आकर बसे, जिससे संगीत के अलग अलग घरानों का विकास हुआ और अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। संगीतकारों को आश्रय देने वाली रियासतों में जैसलमेर के अलावा जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ का नाम लिया जाता है। लेकिन आज भी जैसलमेर के संगीत की लूट जारी है।
पहले यहाँ बाहरी आक्रमणकारी हमारे संगीत के लुटेरे थे, तो आज हमारे देश के बम्बैया फिल्मों में संगीत देने वाले जैसलमेर के संगीत को लूट रहे हैं, यहाँ की परंपरागत धुनों को अपना बताकर बेच रहे हैं। यहाँ तक कि जैसलमेर के अनेक गानों को हूबहू कई फिल्मों में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान के इन गीतों को फिल्मों में लेना इस संगीत की महानता है, पर हमारे परंपरागत गीतों को अपना नाम देना चोरी है। आइए हमारे राजस्थान के उन गीतों की एक झलक देखते हैं जो कि बम्बई की फिल्मों में खूब धूम मचा रहे हैं। जी माने आबद नामी लाग मीठी ओ, राणो जी माने आबद नामी लाग मीठी, आबद नामी लाग मीठी ओ मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो। साकड़ी गली में मारा सतगुरु मिलिया, साकड़ी शेरी में मारा सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं मैं अफूटियो मेवाड़ी राणा, क्यों कर फिरूं मैं अफूटियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो। सांवरियो मीरा माने ही बताओ, थारो सांवरियो मीरा माने ही बताओ, नहीं तो भक्ति थारी झूठियो मेवाड़ी राणा, नहीं तो भक्ति थारी झूठियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा, आबद नामी लाग मीठी। मारो सांवरियो राणा घट घट बोले, मारो सांवरियो राणा घट घट बोले, थारे ही एरी काई फूटियो मेवाड़ी राणा, थारे ही एरी का
आई फूटियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लाग मीठियो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर रंग दियो रंग मजीठियो मेवाड़ी राणा रंग दियो रंग मजीठियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लाग मीठियो आ बदनामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा बदनामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लाग मीठियो मेवाड़ी राणा आ बदनामी लागे आ बदनामी लागे आ बदनामी लाग मीठियो।